नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कानून मंत्री के पद से हटाए गए कार्तिकेय सिंह। गंगा में उफान, जल संसाधन मंत्री ने किया अलर्ट। कृषि विभाग ने यूरिया की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को लिखा पत्र। नीतीश के सीआर की मुलाकात पर बीजेपी का तंज। इन चार जिलों में नहीं होगा बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा केंद्र। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कानून मंत्री के पद से हटाए गए कार्तिकेय सिंह। महागठबंधन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह से कानून मंत्रालय वापस लेते हुए उन्हें गन्ना उद्योग विभाग सौंप दिया है। मालूम हो कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार विवाद में घिर गए थे। विपक्ष इस बात को लेकर लगातार हमला कर रहा था कि कार्तिक कुमार एक दागी नेता है और एक कानून के खिलाफ काम करने वाला इंसान ही कानून मंत्रालय संभाले, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसी बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कार्तिकेय कुमार कानून मंत्री के पद से हटा दिए गए हैं। कार्तिकेय कुमार को अब गन्ना उद्योग विभाग दिया गया है। वहीं शमीम अहमद को विधि मंत्री बनाया गया है। गंगा में उफान, जल संसाधन मंत्री ने किया अलर्ट। इस साल बिहार में सामान्य से 39% कम बारिश हुई है, फिर भी गंगा और कोसी का जल स्तर बढ़ रहा है। इसकी वजह नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही भीषण बारिश है। इसकी वजह से बिहार में नदियों के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दियारा क्षेत्र में पड़ने वाले अधिकतर घर डूब चुके हैं। अन्य जगहों पर गाँव और सड़क पर पानी पहुँच गया है। पटना शहर के दीघा घाट, गांधी घाट से लेकर हथिदह, मनेर, दानापुर, अथमलगोला, पटना सिटी, हाजीपुर, लखीसराय क्षेत्र सहित अन्य कई जगहों पर लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है। वहीं सुबह तक के अपडेट के अनुसार बुधवार को भी जिले में गंगा जलस्तर में 6 से 17 सेंटीमीटर तक बढ़ोतरी की आशंका है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने गंगा और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों और इंजीनियरों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र के रास्तों पर चलना हुआ दुभर। वेतन वृद्धि सहित अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का 5वां दिन है। हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों की जरूरत अब शायद सरकार को समझ में आ जाए और उनकी मांगों को पटल पर रखा जाए। सफाई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस बीच राजधानी पटना सहित राज्य भर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जहां तहां कचरों का अंबार लगा हुआ है। इस कदर सड़े हुए कचरे से दुर्गंध निकलती है कि रास्ते से गुजरने की हिम्मत लोग नहीं कर पा रहे हैं। आज तो हद तब हो गई जब राजधानी पटना के पुल सहित सड़कों के बीच में कचरों का फैलाव देखने को मिला। गाड़ियों के आवागमन के बीच रास्ते में पड़े कचरे वाहनों के नीचे आ रहे थे। इन चार जिलों में नहीं होगा बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा केंद्र। बिहार के 5 जिलों को छोड़कर कुल 34 जिलों में बीपीएससी के 67वें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का सेंटर बनाया जा रहा है। बीपीएससी के 67वें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कुल 34 जिलों के 547 केंद्रों पर आयोजित होगी। दरअसल गया में पितृपक्ष मेले के कारण वहां परीक्षा के केंद्र नहीं होंगे। शिवहर, शेखपुरा और अरवल में भी परीक्षा केंद्र नहीं होंगे। वहीं बीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर सूचना जारी कर 20 और 22 सितंबर को 2 चरणों में इस परीक्षा के आयोजित होने की जानकारी दी है। प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जदयू ने तैयारियां की शुरू। बिहार में सियासी उठक पटक के बीच जदयू प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि पार्टी के इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 सितंबर को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक से होगी। इसमें करीब 275 प्रदेश स्तरीय नेता भाग लेंगे। इसमें विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं 3 सितंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सांसद सहित वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर करीब 75 नेताओं को शामिल रहने की संभावना है। वहीं जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक 4 सितंबर को कर्पूरी सभागार में होगी। एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के निर्णय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगेगी। कृषि विभाग ने यूरिया की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को लिखा पत्र। बिहार में कई जिलों से यूरिया की किल्लत की सूचना आ रही है, साथ ही यूरिया के कालाबाजारी की भी शिकायतें आ रही हैं। इस बीच कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बीते दिन राज्य में विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता, आवंटन एवं आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि आवश्यकता अनुसार विभिन्न उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार को पत्र भेजा जा रहा है। कृषि विभाग का कहना है कि खरीफ मौसम 2022 में धान की रोपाई 86% तक हो चुकी है। अब किसानों को धान फसल के लिए पर्याप्त उर्वरक की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न उर्वरकों की जरूरत के हिसाब से आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसएसपी के नाम पर साइबर ठगों ने लूटा।
प्रदेश भर में साइबर क्राइम का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन ऑनलाइन ठगी की जा रही। इसी कड़ी में एक शख्स ने खुद को एक न्यूज चैनल का हेड बताकर और गया एसएसपी से सीधी पहुंच होने का नाटक रचकर अपने अकाउंट में 10,000 रुपये मंगवा लिए। इस तरह से फर्जीवाड़ा और साइबर क्राइम का ऑडियो गया पुलिस के पास पहुंचा। मामले सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। जानकारी के मुताबिक एसएसपी से किसी केस में पैरवी करने के नाम पर ठगी की गई है। रामपुर थाना में एसएचओ रवि कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं चिन्हित साइबर फ्रॉड पटना के ईशान अमन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भाजपा ने नीतीश कुमार पर कविता लिख डाली। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भाजपा नीतीश कुमार पर अलग अलग तरीके से जुबानी हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कविता के माध्यम से नीतीश पर हमला बोला है और तंज कसा है। इसकी कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं। अरविंद कुमार जो कविता पढ़ रहे हैं उनमें है, पलटू राम रंग बदलू हूँ, जनता का धोखेबाज हूँ, फिर भी सरकार हूँ इसलिए नीतीश कुमार हूँ, बिहार में दारू बालू का अवैध कारोबार हूँ, लोभी और ठग का महागठबंधन बनाता हूँ इसलिए सुशासन बाबू कहलाता हूँ। इतना ही नहीं, यह पूरी की पूरी कविता है। आप बीजेपी बिहार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जाकर सुन सकते हैं। अगले साल 11 महीने से भी कम काम करेंगे सरकारी कर्मचारी। बिहार सरकार ने साल 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया है। अगले साल सरकारी कर्मचारियों को 11 महीने से भी कम ड्यूटी करनी होगी। सरकारी कर्मचारी आने वाले साल में 39 दिन छुट्टी पर रहेंगे, जिसमें 6 दिन रविवार को छोड़ 33 अन्य दिन शामिल हैं। इस संबंध में बीते दिन मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद अगले साल सरकारी विभागों के अवकाशों को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है। अवकाश को लेकर जारी कैलेंडर के अनुसार एनआई एक्ट के तहत 21 दिन की छुट्टी रहेगी। वहीं कार्यपालक आदेश के तहत 15 दिनों की छुट्टी रहेगी, जिसमें भी 3 दिन रविवार पड़ रहा है। इसके अलावा ऐच्छिक या प्रतिबंधित अवकाशों की संख्या 20 दिन निर्धारित है, जिनमें किन्हीं 3 का ही उपयोग किया जा सकता है। नेपाल ने पानी देने से किया मना, सूख रहे हैं सैकड़ों एकड़ खेत। भारत नेपाल सीमा पर स्थित भीखना छोड़ी में बीते 15 दिनों से चल रहे नाले के पानी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पानी को लेकर भारतीय किसानों का एक तरफा मांग है कि पूर्व की भांति नेपाल से 2 नालों में एक एक्वा परसौनी और दूसरा भवानीपुर के लिए पानी दिया जाए। इससे सैकड़ों एकड़ फसल की पटवन होती है। इस तरह की ही फैसला होनी चाहिए। नेपाली किसान प्रतिनिधियों व उपस्थित पदाधिकारियों का कहना है कि नेपाल से एक नाला के लिए पानी मिलेगा, यही भारतीय क्षेत्र में जाने के बाद उसे 2 हिस्सों में बांटना होगा। 18 सितंबर तक इस मामले को पुनर्विचार के लिए टाल दिया गया। वहीं भारतीय किसान प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों द्वारा 3 सितंबर को आपसी सहमति से बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के इन 5 DSP की बढ़ी मुश्किलें। बिहार के वैसे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो बालू के अवैध खनन में बालू माफियाओं के साथ सांठगांठ के आरोप में निलंबित किए गए थे। गृह विभाग ने डीएसपी स्तर के निलंबित पदाधिकारियों तनवीर अहमद, पंकज कुमार रावत, अनूप कुमार, दिलीप कुमार झा और पंकज कुमार के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई में संचालन पदाधिकारी के स्तर पर बदलाव करने का फैसला सरकार ने किया है। दरअसल डीएसपी स्तर के सभी पदाधिकारी फिलहाल निलंबित हैं और इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय के IG गणेश कुमार से अनुरोध किया है कि इन सभी निलंबित डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों की विभागीय कार्रवाई से संबंधित और आरोप पत्र मूल रूप से मुख्य विभागीय जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग पटना को उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना दी जाए। भाजपा के इन कद्दावर नेताओं का हो सकता है बिहार आगमन। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सत्ता खोकर विपक्ष में आए भाजपा का अब 2024 लोकसभा चुनाव एकमात्र टारगेट है, जिसके लिए भाजपा अभी से ही एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। भाजपा ने अपना टारगेट सेट कर लिया है और 35 सीट जीतने के लिए मिशन 35 पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अगले महीने से भाजपा के कद्दावर नेताओं का आगमन शुरू होने जा रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूर्णिया में महारैली का आयोजन होना है। वहीं बिहार के 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में 9 बड़े नेताओं की रैली कराने जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 3 और राष्ट्रीय नेताओं की रैली प्रमंडलीय मुख्यालयों में कराने की तैयारी है। नीतीश केसीआर की मुलाकात पर बीजेपी का तंज। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR आज बिहार दौरे पर हैं। KCR और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात चर्चे में है। अब इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तंज कसा है। संजय जायसवाल ने आज ट्वीट कर लिखा कि अब जाकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को बिहार आने का मौका मिला। आज वह रबर स्टैंप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आ रहे हैं कि तेलंगाना के राज परिवार से ज़्यादा भ्रष्ट बिहार के राज परिवार को बचाने के लिए बहुत बहुत आभार। जल्द ही 2 दर्जन तथा कथित 2024 के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन होगा और नेता वही चुना जाएगा जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार को अपने प्रदेश में संपोषित करेगा।
विराट की बायोपिक करना चाहते हैं विजय देवरकोंडा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता विजय देवरकोंडा ने भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की बायोपिक करने की इच्छा जताई है। बैटिंग के इस उस्ताद की दुनिया भर में बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग है। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं। विजय देवरकोंडा रविवार 28 अगस्त को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच देखने के लिए दुबई पहुंचे थे। मैच से पहले जब प्रस्तुतकर्ताओं ने उनसे पूछा कि वह किस खिलाड़ी का किरदार बड़े पर्दे पर करना चाहेंगे, तो इस पर 33 वर्षीय अभिनेता ने कोहली की बायोपिक करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि धोनी भाई की बायोपिक पहले ही सुशांत सिंह राजपूत कर चुके हैं, लिहाजा मैं अब विराट अन्ना की बायोपिक करना चाहूंगा। देश भर में आए 10,000 से भी कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी बुधवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,231 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 160 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 67 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 1,24,674 कोरोना सैंपल की जाँच हुई है, जहाँ 193 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अशोक कुमार प्रजापति, नुन्नू कुमार, अनवर करीम खान, नीतीश कुमार, लक्ष्मी मेहता, मुटु रंगीला, मोहम्मद एहसान, संजीत कुमार, कविता कुमारी, के सिन्हा और राजकुमार प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस लेना सरकार का यह फैसला उचित है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।